गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल माउथ, दैट इज अ बक्कल कैविटी। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑसोफेगस। ऑसोफेगस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इट इज आल्सो कॉल्ड फूड पाइप। अब स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड माउथ में से कहां गया? ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस क्या है? इट इज अ ट्यूब विच कनेक्ट्स माउथ टू द स्टमक। अब हमारा फूड डाउन मूव कर रहा है, जैसे कि ड्यूरिंग वॉमिटिंग हम ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ऑसोफेगस क्या है? एक तरह की पाइप है जो कनेक्ट करती है माउथ को स्टमक के साथ। अब नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। स्टमक क्या है? जैसे कि हम हमारी नोटबुक्स हमारे बैग में स्टोर करते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी में हमारा फूड कहां पे स्टोर होता है? स्टमक में। स्टमक क्या है? इट इज अ थिक वॉल्ड बैग प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द अब्डोमन। द इनर लाइन ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। अभी एसिड का क्या काम है हमारे स्टमक के अंदर? एसिड इनर लाइनिंग जो है वो सिक्रेट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है? जैसे कि हम हमारे फूड के साथ कोई बैक्टीरिया चला गया हमारे पेट में, तो वो उस बैक्टीरिया को क्या करता है? किल करता है एसिड। और ये हमारे स्टमक को क्या बनाता है? एसिडिक मीडियम। ठीक है जी। और पॉज करें। और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब है विच इज 7.5 मीटर लॉन्ग। इतनी लंबी है, बट फिर भी इसे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? ड्यू टू इट्स नैरो, ये नैरो होती है, इस वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये हमारी बॉडी में कॉइल की फॉर्म में स्टोर होती है हमारे स्टमक के नीचे बैली में। ठीक है। और इसमें क्या है? अगर कोई आपको पूछे कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में होती है, वो इसी पार्ट में होती है। इट इज द साइट वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। ठीक है जी। अब पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टमक में से कहां पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्टमक कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है एक जूस, डाइजेस्टिव जूस लिवर में से। लिवर क्या सिक्रीट करता है? एक डाइजेस्टिव जूस जिसे हम कहते हैं बाइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट जूस है ये बाइल, जो कि कहां पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में, गॉल के अंदर, लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस। ये क्या करता है? इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये फैट्स को हमारे टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि डाइजेशन इजी हो सके। और सेकंड फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? इट इज द मेन रीजन ऑफ अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब क्या है? 7.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, उसमें क्या है? उसकी इनर वॉल्स में, इन द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। विली क्या करती है? अब्सॉर्प्शन आपको बताया था फर्स्ट डे। इट्स रोल इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द रैपिड अब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली का फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या? सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ताकि फूड की अब्सॉर्प्शन अच्छे से हो सके। अब फूड क्या कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद वो कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। सो दिस अनडाइजेस्टेड एंड द अनअब्सॉर्ब्ड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, ये मोस्टली वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड में से, ये मोस्ट वाटर क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा। कहां पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब वो वाटर क्या है? रिमूव हो जाएगा। एंड वो जब किसी फूड में से वाटर रिमूव हो गया तो क्या हो जाएगा? वो सेमी सॉलिड बन जाएगा। अब वो लास्ट पार्ट में स्टोर होगा जिसे हम बोलेंगे रेक्टम। दैट फूड इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड रेक्टम। जब हम टॉयलेट जाते हैं, व्हेन वी गो टॉयलेट, दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट फ्रॉम अवर बॉडी थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। दिस इज कॉल्ड इजेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर